कोटा में एक बार फिर से मां की ममता शर्मसार हुई है। नवजात को जिस गोद में ममता की छांव मिलनी चाहिए थी उसे एक निर्दयी मां ने सड़क के किनारे फेंक दिया। नवजात की करह सुन थमे राहगीरों ने इसकी सूचना थाना कोटा में दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने नवजात को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। ममता को कलंकित करने वाले इस घटना से हर किसी का कलेजा पिघल गया और लोग उस मां को कोसते हुए नजर आए जो इस कृत्य को अंजाम देकर लापता हो गई। नवजात का जन्म 3 से 7 दिन पहले हुआ बताया जा रहा है। बच्चे को लाया गया है, सीरियल चाइल्ड है जिसको ही रास्ते पे यही पड़ा मिला था। उनके द्वारा बताया गया कि रास्ते डब्बू ठाकुर हमारे साथ कोटा से हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। डब्बू, सड़क किनारे बच्चा मिला है, क्या है पूरा मामला? सर ये जो किंती शाम की जब बात है कि शाम के राहगीरों तो आवास में भी बच्चा रो रहा था तो राहगीरों वहाँ पर देखे तो उसकी सूचना दी कोटा थाने पे, तो 12 पर सूचना देने पे और वहाँ पर आए और वहाँ पर देखा गया। आस पास भी पता करने पर ये होता है कि माँ कौन है, इसके परिजन कौन है, लेकिन वही इनकी जो हॉस्पिटल में नर्स है रोके ब्लड देखते हुए इन वहाँ पर अपना ने दूध पिलाया। डब्बू कौन है ये बच्चा, कौन है इसकी माँ और क्या कुछ कार्रवाई अब तक की गई है? ये जानकारी तो अभी तक मिल रहा है, आपको आपको सूचित करना चाह रहा हूँ कि अभी तक इसकी जानकारी नहीं हो पाई है कि बच्चा किसका है। अभी पुलिस उसमें जांच कर रही है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से और मितानियों से पतासाजी की जा रही है, गाँव के पंचायतों से कि ये बच्चा किसका किसके कितने की पहले डिलीवरी हुई है, किनके किनके घर हुई है, उस हिसाब से जाँच के विषय है। उसके बाद जाँच पुलिस की जाँच आने पर पता चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया डब्बू जानकारी के लिए। मधुसूदनगढ़ वन परिक्षेत्र में एक दल को